लास्ट क्लास में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे और उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमने जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ लिया था। तो आज की जो इस क्लास के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टेलीस्कोप का कंसेप्ट। टेलीस्कोप क्या है, कितने तरह का होता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या है, ऐसे सो बहुत सारी बातें हैं जो आज की हम क्लास में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन यही है कि सर ये जो टेलीस्कोप नाम का हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं ये होता क्या है, क्या ज़रूरत है टेलीस्कोप नाम के इंस्ट्रूमेंट की। तो आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जैसे हमसे दूर होती जाती हैं उनका विजुअल एंगल कम होता जाता है, विजुअल एंगल काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज जैसे जैसे आई से कोई ऑब्जेक्ट दूर जाएगा विजुअल एंगल कम होता जाएगा तो हमें वो छोटा दिखेगा। हाँ, चाहे साइज़ में कितना बड़ा हो, जैसे अगर मैं बात करूँ किसी स्टार की बात करूँ, इवन मैं मून की बात करूँ, मून साइज़ में बहुत बड़ा है लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से बहुत छोटा दिखाई देता है। तो अगर ऐसे में हम मून को ही देखना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़े साइज़ का देखना चाहते हैं, उसकी क्लियर इमेज देखना चाहते हैं जो बहुत दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ना, बहुत दूर है, डिस्टेंस की वजह से विजुअल एंगल कम हो चुका है, लेकिन मैं उसी ऑब्जेक्ट को थोड़े बड़े एंगल पर देखना चाहता हूँ, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्चुअल बेटा जो टेलीस्कोप है एक्चुअल में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो कहाँ यूज़ होता है, विच इज़ यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जो बहुत दूर चीज़ें हैं उनको क्लियर देखने के लिए, उनको साफ देखने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं वो एक्चुअल में क्या है, टेलीस्कोप है, ठीक है। अच्छा, इसका जो बेसिक आइडिया बेटा इसके अंदर भी जो रहता है, एक टेलीस्कोप का भी जो बेसिक आइडिया भी, इसका जो मेन काम है वो यही है कि ये भी क्या करता है, ये विजुअल एंगल को इंक्रीज़ करता है। क्या करता है बेटा, इसका जो बेसिक आइडिया क्या है, ये इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ द विजुअल एंगल। विजुअल एंगल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप पीछे वाली वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारी आई के साथ जो एंगल बनाता है वो विजुअल एंगल है, और ये टेलीस्कोप भी विजुअल एंगल को इंक्रीज़ करता है। अब दूसरे नंबर पे देखिए, इसके कंस्ट्रक्शन से पहले हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं, किसके टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। तो जनरली जो टेलीस्कोप है बेटा, मैं एक पहले रफ फ्लो चार्ट टाइप से बताता हूँ, जो टेलीस्कोप है हम उसको दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, दो तरह के होते हैं ये। एक को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और दूसरा होता है बेटा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिंग टाइप होते हैं इनमें हम लेंस के कंसेप्ट का यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्टिंग में जो है वो मिरर्स के कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है, रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे बेस है। इसके अंदर भी फर्दर जो है बेटा हम एक पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में हम पढ़ते हैं, और एक हम पढ़ते हैं बेटा टेरेशियल टेलीस्कोप के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, टेरेशियल टेलीस्कोप के बारे में। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, यानी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और टेरेशियल इससे अलग नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क होगा, मैं आपको बता दूंगा क्या फर्क है, ठीक है, मेन हमारा ये है। और बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आपके एग्जाम में टेलीस्कोप पे अगर क्वेश्चन आता है तो बाय डिफॉल्ट आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ही एक्सप्लेनेशन देना है, आपको इसी को ही बताना है, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, रिफ्रैक्टिंग टाइप के अंदर जो है मिरर्स पे बेस्ड होते हैं, हमारे पास दो ही हैं हमारी बुक में, एक है न्यूटोनियन टाइप और बेटा एक जो है वो है शायद कैसेग्रेन, कैसेग्रेन नाम से कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप है, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट के नाम है, उन्हीं के बेस पे ये दो टेलीस्कोप है, हम इनका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, वर्किंग थोड़ा बहुत समझेंगे, और डेरिवेशन के नाम पे कुछ नहीं है इनके अंदर। हाँ, डेरिवेशन जो है वो टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल के अंदर है, इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, अभी ये जो मैंने डिवीजन बताई इनको। सबसे पहले बेटा देखिए, हमने जो पढ़ना है वो है रिफ्रैक्टिंग टाइप, ये होते क्या हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप
टेलीस्कोप। अब आपको एग्जाम में ये सारा नहीं लिखना, आपको एग्जाम में वो लिखना जितना वो पूछेगा। जैसे एग्जाम में जनरली जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी पूछता है, तो आपको उसी को एक्सप्लेन करना है। रिफ्रैक्टिंग टाइप की भी डेफिनेशन नहीं लिखने की जरूरत, लेकिन हाँ डिफरेंस के लिए बोल दे भी रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं जो बेस्ड होते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप क्या होते हैं, दोज टेलीस्कोप्स। ठीक है, दोज टेलीस्कोप्स इन विच मेनली लेंस यूज होते हैं, लेंस आर यूज्ड। ठीक है, एंड जो क्या काम करते हैं, एंड वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना पे बेस्ड होते हैं। मेनली इसमें जो है हम लेंसेज का यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा, एक है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, और दूसरा जो है वो है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल की स्पेलिंग गलत हो जाए तो सही कर लेना। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब धरती पे किसी चीज को देखना। वहीं दूसरा भी हम लिख ही लेते हैं यहाँ डेफिनेशन, क्योंकि दूसरा आगे हम पढ़ने वाले हैं फिर बाद में। रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है, क्या होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग टाइप, जैसे आपने अभी भी रिफ्रैक्टिंग टाइप को डिफाइन होते हुए देखा वैसे ही बिल्कुल ऐसे लिख दो। तो दो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, अभी थोड़ा सा ही तो हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ से इसमें, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि भाई यही तो काम आना है मुझे। तो ये लो, मैंने इसको चिपका दिया, देखो ये भी एकदम ऊपर फिट बैठ गया दोज के ऊपर। दोज टेलीस्कोप इन विच लेंस, नहीं सर लेंस नहीं यहाँ पर, रिफ्रैक्शन नहीं सर रिफ्रैक्शन भी नहीं यहाँ पर, बस ये दो वर्ड ही तो चेंज करने थे। जिनमें मिरर्स जो यूज़ करते हैं, मिरर्स आर यूज्ड एंड वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है डिस्कस करने वाला, एक है न्यूटोनियन टाइप और एक है कैसेग्रेन। ठीक है, ये दो ही हैं हमें पढ़ने। तो पहले बेटा हम अब एस्ट्रोनॉमिकल को डिटेल में समझते हैं, पढ़ते हैं, यानी अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टोटली जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप ही सिंपल, जो कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का पार्ट है। यूज होता है कहाँ पर, जहां पर हम अर्थ से बाहर आउटर स्पेस में जो बड़े बड़े कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है उनको क्लियरली देखना चाहते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अर्थ से बाहर जो बड़े बड़े टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है उनको देखते हैं, कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को। टेरेस्ट्रियल तो होता है अर्थ के ऊपर, ठीक है, मैं बोलूँ कैलेस्ट्रियल जो अर्थ से बाहर है, जैसे मून है, कोई भी अदर स्टार है। तो वही डेफिनेशन में वही आपने सेम लिखना है, क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्या काम करता है, यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, खासकर स्पेस में, इन स्पेस में। ठीक है, क्लियरली भी तो देखना मैं। अब इसके बेटा कंस्ट्रक्शन की बात करें, भी ये बना कैसे है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो बेसिक आइडिया आपको पता है, वही विजुअल एंगल बढ़ाने वाला तो यहाँ लिख नहीं रहा। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, बिल्कुल वैसा सा ही कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या होगा बेटा, कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस, इसमें भी दो कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, एंड वन मोर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ अनइक्वल फोकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ इक्वल नहीं होती, एक की कम होती है एक की ज़्यादा होती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फिलहाल याद रखना इसमें भी दो कन्वेक्स लेंस होते हैं जिनकी फोकल लेंथ अलग अलग होती है। ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है MCQ या असर्शन रीजन टाइप में, आपको ये दिख सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको।
अब दो लेंसेज में एक जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये डिफाइन किया था बिल्कुल वैसा ही है सेम सा। तो ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, जो क्या होता है नियर होता है, किसके नियर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। फोकल लेंथ को एफ ओ से लिखते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ की बात करें तो भाई ऑब्जेक्टिव जो यूज़ करते हैं किस में, ध्यान से सुना, टेलीस्कोप में, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो लार्जर होती है, लार्जर फोकल लेंथ होती है, ठीक है। एफ ओ जो है वो ज़्यादा होता है। और एक बात बताऊं, अपर्चर में या जो साइज की बात करें, या बेटा मैं दूसरा क्या बोल रहा हूँ, अपर्चर की बात करूँ तो ये जो है वो भी लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है, रीज़न ताकि क्या कर सके, मोर गैदरिंग कर सके लाइट की, मोर गैदरिंग ऑफ लाइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गिर सके, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है, बहुत दूर है, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उससे जितनी ज़्यादा रेज आएंगी उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, उतनी इमेज क्लियर होगी। दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो हमेशा लार्ज अपर्चर का, लार्ज साइज का होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ध्यान से देखना इसको। दूसरा होता है आई पीस, या जिसको ओकुलर भी कहा जाता है। आई पीस क्या होता है एक्चुअल में, ये भी एक कन्वेक्स लेंस ही होता है, लेकिन ये कहाँ होता है, नियर टू आई होता है, ये जो आँख के नज़दीक होता है जहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ को इसकी एफ ई से लिखते हैं, ये शॉर्टर फोकल लेंथ का होता है, शॉर्टर फोकल लेंथ का होता है बेटा ये, और साइज में भी ये क्या होता है, स्मॉल होता है, याद रखना, ठीक है ना। अपर्चर भी इसका क्या होगा, अपर्चर भी इसका स्मॉल ही यूज़ करते हैं, स्मॉल यूज़ करने से क्या होता है, इमेज को ब्राइट बना पाता है, फोकस कर पाता है थोड़ी सी जगह पे, है ना, इसलिए ब्राइटनेस को बढ़ा देता है, ब्राइटनेस को समझ लो, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो पावर है या मैग्नीफिकेशन पावर है उसको बढ़ा देता है, पावर को बढ़ा देता है, ये इसका रीज़न है। और दोनों लेंस जो होते हैं, चाहे वो कन्वेक्स दोनों की बात करूँ, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है चाहे वो आईपीस है, दोनों ही एक दूसरे से एडजस्टेबल होते हैं, यानी जनरली क्या होता है उनके बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट किया जा सकता है। पहले तो दोनों को कोएक्सली रखा जाता है, कोएक्सली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, प्लेस्ड होते हैं एक ट्यूब में, इन अ ट्यूब, और डिस्टेंस कैन बी एंड डिस्टेंस कैन बी एडजस्टेड, भाई इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है, कैन बी एडजस्टेड यूजिंग रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। भाई इस अरेंजमेंट को नहीं पढ़ना, जस्ट ऐसे समझो भाई ये एक स्क्रूज होते हैं और कुछ नहीं होता, इन स्क्रूज की हेल्प से दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। चल फिर अब हम इसके वर्किंग की बात करें, तो वर्किंग दो पार्ट में होती है, भाई आप फाइनल में चाहते कहाँ हो। पहला केस वही सेम कि हम जब व्हेन फाइनल इमेज जो बनती है, व्हेन फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इज एट, वही सेम पहला केस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब हम फाइनल इमेज कहाँ जाते हैं बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जाते हैं, फाइनल इमेज जब बेटा डी पे बनेगी वो पहला केस है, ठीक है, जैसा कि सदा की तरह होता है बिल्कुल वैसा ही। तो इसमें डायग्राम बहुत इजी है, ध्यान से सुनना इस बात को। तो बेटा हमने क्या करना है, पहला लेंस बनाना है, पहला लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव, और मैंने कहा इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, ये बात याद रखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो मैंने बड़ा इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो मैंने एल ओ लिख दिया। हम क्या करते हैं, अब एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं जो दोनों ही मतलब लेंसेज का जो है ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो मैंने इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। उसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, इसका ऑप्टिकल सेंटर बना दिया ओ वन। इसका कहीं फोकस होगा, बिल्कुल सर, इसका फोकस मान लीजिए ये है एफ ऑफ ओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, इस तरफ पी होगा, हमें उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मैं ना एक इमेजनरी लाइन बना रहा हूँ या डॉटेड लाइन, तो आप बता सकते हो क्या है। देखो ये फोकस में से पास होने वाला इमेजनरी जो प्लेन होता है ना बेटा, उसको फोकल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। एक्चुअल में मैंने फोकल प्लेन बना दिया पहले ही ताकि डायग्राम को ईजी बनाया जा सके। अब हमें क्या है भाई, ऑब्जेक्ट दिखाना है। आपको पता है ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, सर ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं जो यहाँ से बहुत दूर हैं। बहुत दूर कहाँ पर है सर, बहुत दूर वो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से रेज हमेशा आपस में पैरल आती है, जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल। तो हमने क्या किया, ऐसे कुछ रेज दिखा दी जो
इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो मान लीजिए बेटा, मैं थोड़ा सा रे इसको टेढ़ा बना देता हूँ, ये लीजिए एक रे आई, एक रे ये बना दी, एक रे ये बना दी, तीन चार बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे तीन चार दिखा दी, रेज इस तरह से आ रही है ऑब्जेक्ट से। अब अगर आप देखें जरा बेटा, ये पैरेलल रेज मैंने दिखाई। पैरेलल क्यों दिखाई? बिकॉज जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उससे जो रेज आती है वो पैरेलल आती है। जैसे ही लेंस में एंटर की, अब लेंस उनको कन्वर्ज करता है, एक जगह इकट्ठा करेगा, इकट्ठा क्या फोकस पे करेगा? नहीं, फोकस पे नहीं करेगा, फोकल प्लेन पे करेगा, बिकॉज ये इंक्लाइंड है कुछ एंगल के साथ। देखो ये इतने एंगल से आ रही है, ये अल्फा है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का एंगल है, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है ना, तो अल्फा एंगल बना के आ रहा है वो। अब रेज को सारे को कहाँ कन्वर्ज करना है ध्यान रखना, तो आप ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी चली जाती है, वो यहाँ पर गई, तो आपने बस इसी पॉइंट पे सभी रेज को क्या कर देना है, कन्वर्ज कर देना है, आसान है याद रखना। तो पहली रे इधर दिखा दो भाई, इस लेंस की रे को भी इधर दिखा दो, ये सारी रेज को हमने इस जगह पर कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, इस तरह से दिखाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर इस जगह पे ठीक क्या बन गई, इमेज बन गई, तो इसका नाम भी हम रख सकते हैं इमेज का। तो ये बेटा हमने इसको दिखा दिया ऐसे, इसका नाम रख दिया ए डैश बी डैश। अच्छा, ये बी डैश कुछ अलग नहीं है, फोकस पॉइंट ही है ये बी डैश जो है। तो पहले लेंस ने इमेज बना दी। ठीक है, अब डिस्टेंसेस को दिखाना भाई, इधर को तो इन्फिनिटी दिखा नहीं सकते, और ये डिस्टेंस जो है ये पहले लेंस ने इमेज जहाँ बनाई, वी ओ लिख लूँ इसको, और वी ओ एक्चुअल में एफ ओ के बराबर ही है राइट हैंड साइड में, तो प्लस का ही यूज़ कर लेंगे इसको। ये पहले लेंस का काम हो गया ख़त्म। अब हमने दूसरा लेंस लिया, वो इससे छोटा है पहले से ध्यान रखना, आई पी जो है, और हम उसको इस तरह से एडजस्ट करें कि फाइनल इमेज डी पे बने। तो हमने फाइनल इमेज डी पे बनानी है, तो हमने क्या किया, उस लेंस को मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दी, दूसरे लेंस को, कौन सा है ये आई पीस का है, एल ई लिख दिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ओ टू। हमने दूसरे लेंस को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया कि ये जो ए डैश बी डैश है ना, ये दूसरे लेंस के ओ और फोकस में, ये मान लीजिए फोकस है दूसरे लेंस का, किसका, आई पीस का, तो ये देखो इसके ओ और एफ के बीच में आ गए, तभी तो इमेज वर्चुअल और बड़ी बन पाएगी। अब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो एक रे हमने पैरेलल दिखा दी, दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर वाली दिखा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी चली जाती है आपको पता है, और जो दूसरी रे बेटा ये क्या होगी, ये इसके फोकस से चली जाएगी, ये मान लीजिए इधर इस तरह से फोकस से निकल गई, तो एक रे ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी प्रिंसिपल एक्सिस वाली फोकस में से पास हो जाएगी, तो ये बेटा इसका फोकस है एफ ई। ये दोनों रेज कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन बैक में ड्रॉ करें तो बिल्कुल सर मिलेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को एक बार थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ ताकि हम इनको बैक में मिलते हुए दिखा सकें, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब इनको बैक में मिलते हुए दिखा देते हैं। ये रे मान लीजिए बेटा यहाँ जा रही है, और ये वाली रे मान लीजिए यहाँ पर मिल गई, तो बैक में जब ड्रॉ किया दोनों जो है वो आप देख पा रहे हो यहीं पर मिल रही है इस जगह पे। बेटा ये यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक है, यहाँ पर क्या बन चुकी है, इमेज बन चुकी है। ठीक है, ये नाम भी रख देते हैं इसका ए डबल डैश, और ये जो पॉइंट है ये बी डबल डैश है, और ये इमेज बनी कहाँ है ये तो हमें पता है, हम डी पे चाहते हैं सर, तो ये जो डिस्टेंस है बेटा ये डी है। एक्चुअल में ये दूसरे लेंस ने इमेज बनाई है, तो ये वी ऑफ ई है, माइनस का डी ले लेंगे क्योंकि लेफ्ट में है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये, तो भाई ये है यू ऑफ ई, जो कि इनडायरेक्टली नहीं इतना ही है, यू ऑफ ई ही लिख देंगे इसको। तो इस तरह से भाई ये इन्होंने अपना इमेज फॉर्मेशन कर दिया। अभी तो हमें मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करनी है इसके केस में। तो पहले तो डायग्राम को फिर से समझो, पहला ऑब्जेक्ट है, पहला लेंस है ऑब्जेक्टिव, इन्फिनिटी से रेज आई है, फ्रॉम इन्फिनिटी, बहुत दूर है ना ऑब्जेक्ट, तभी तो इन्फिनिटी से पहला लाई, एंगल अल्फा बना के आ रही है, ऑब्जेक्ट का एंगल यहाँ पर अल्फा है, तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट का एंगल यहाँ पर अल्फा है तो ये आप अल्फा एंगल अंदर भी ले जा सकते हो, यहाँ दिखा सकते हो। रेज आई, इसने इसको यहाँ कन्वर्ज कर दिया, इमेज बना दी ए डैश बी डैश, तो ये बेटा इमेज ए डैश बी डैश है यहाँ पर, और इनडायरेक्टली ये पॉइंट जो है ये पहले लेंस का फोकस भी है। दूसरे लेंस ने उसी की इमेज बना दी वर्चुअल ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ एट डी डिस्टेंस, तो ये जो एंगल आप देख पा रहे हो ये बीटा है, एक्चुअल में अल्फा एंगल से बीटा बन गया, बस हमें यही तो चाहिए था अल्फा से बीटा बनना, अल्फा से हमें बीटा ही तो बनाना था। अब इस अल्फा और बीटा का जो रेशो होगा ना, मतलब बीटा बाय अल्फा जो होगा, तो
इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन बोल देंगे, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर बोल देंगे। तो हम मैग्नीफाइंग पावर अब लिख लेते हैं इस केस में। टेलीस्कोप की बात हो रही है तो इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो डिफाइन करते हैं पहले तो कि मैग्नीफाइंग पावर है क्या इस केस में। एम से लिखते हैं, चाहे कोई भी केस हो मैग्नीफाइंग पावर तो रेशो ही होती है। सर ये रेशो है, किसका रेशो है? रेशो है एंगल जो बनाया, एंगल जो बनाया सबटेंडेड बाय इमेज ने, यानी बीटा, कब? एट डी, इमेज हमारी डी पे है, ठीक है ना। एंड एंगल जो बनाया, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ने जो कि अल्फा है, वो कहाँ बनाया? जब वो इन्फिनिटी पे, हमारा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है ना, इमेज डी पे बन रही है, किसके साथ? विद आई। तो अब बना लेते हैं इसको सर। तो एम जो बना वो बना बीटा बाय अल्फा, और एंगल्स जब स्मॉल होते हैं तो टेंजेंट ऑफ बीटा लिख दूँ, इसको टेंजेंट ऑफ अल्फा लिख दूँ, क्यों लिखा यहाँ लिख देना, एंगल जो है ना वो क्या है, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तब मैंने लिखा इसको। अच्छा डायग्राम भी उठा के ले आते हैं, बिकॉज उससे ही हमें पता लगेगा ना कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है। ये हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इतने से की, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। ये डायग्राम हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इसको यहाँ पर छाप लिया। अब देखें हम टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा निकालते हैं। तो पहले मैंने टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा निकाला, अल्फ़ा आप देख पा रहे हो ये अंदर छोटा सा एंगल बन चुका है, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाई ओ वन बी डैश, ओ वन बी डैश, ठीक है। इसी तरह से मैं टेंजेंट ऑफ बीटा निकालता हूँ, तो टेंजेंट ऑफ बीटा इस ट्रायंगल से देखो ये रहा, इसमें भी क्या आएगा बेटा, ए डैश बी डैश बाई ओ टू बी डैश, ओ टू बी डैश। अब दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट ही कर देते हैं, तो हमारे पास जो बनेगा m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा दैट इज ए डैश बी डैश बाई ओ टू बी डैश, मल्टीप्लाई में ये उल्टा हो जाएगा, ओ वन बी डैश बाई ए डैश बी डैश। कुछ कैंसिल वैंसिल? हाँ जी सर, कैंसिल तो हो ही रहा है, यहाँ पर आप देखो ए डैश बी डैश से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो बचा m इज इक्वल टू ओ वन बी डैश बाई ओ टू बी डैश। अब यहाँ पर O1 है क्या, O1 B डैश, O1 B डैश यानी बेटा ये आपका है VO, या जिसको अपन बाद में लिख देंगे FO, डिवाइड बाय O2 B डैश, O2 B डैश यानी ये है हमारा U ऑफ E। तो मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ FO बाय U ऑफ E, और U ऑफ E यहाँ माइनस का बिकॉज ये लेफ्ट में है। तो M का जो फॉर्मूला बना वो बना हमारे पास एफ ओ बाई माइनस का यू ई। क्या ये फॉर्मूला यहाँ तक ठीक है? मतलब आप सोचे जरा, क्या ये फॉर्मूला यहाँ तक ठीक है? नहीं बेटा, ये यहाँ तक ठीक नहीं है, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास पहले लेंस की ऑब्जेक्टिव की तो फोकल लेंथ आ गई, आई पीस की नहीं आई, तो हमें इस यू ई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसलिए इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो हमें सोल्व करना है, इस इक्वेशन को नाम भी दे देते हैं कुछ, इक्वेशन नंबर लेट अस सपोज वन नाम दे देते हैं इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, इसमें पहले और इक्वेशन तो कोई है नहीं। तो हमें यू ओ की वैल्यू पुट करनी है यू ई की, तो बेटा हमें यू ई की दूसरे वाले लेंस के लिए पुट करना है ना, तो हमने यूज़ किया लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, किसके लिए? दूसरे के लिए, है ना, फॉर्मूला फॉर आई पीस के लिए, हमने आई पीस के लिए यूज़ किया। तो लेंस फॉर्मूला तो कहते हैं देखो, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ होता है। चलो सारी वैल्यूज पुट करते हैं, वन बाई वी फाइनल इमेज बन रही है माइनस डी पे, तो मैंने इसको लिखा माइनस डी, माइनस वन बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस का यू ई लेफ्ट में ही तो है, इज इक्वल्स टू वन बाई फोकल लेंथ आई पी इसकी पॉजिटिव क्योंकि कन्वेक्स है। तो हमें यहाँ पर बेटा इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, देखो किस चीज़ की, हमें चाहिए इतने इतने की वैल्यू, या माइनस एक बार बाद भी हटा देते, सीधा पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस वाला तो चक्कर बाद में रख लेंगे। तो ये आया माइनस का वन बाई डी, ये प्लस का कर देता हूँ एक बार, यू ऑफ ई इज इक्वल्स टू वन बाई एफ ई, तो वन बाई यू ई इज इक्वल्स टू वन बाई एफ ऑफ ई प्लस में वन बाई डी, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा क्या डी इंटू में एफ ई, और यहाँ से आ गया डी प्लस एफ ई। तो बेटा ये आपके पास वन बाई यू की वैल्यू आ गई, अब इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर वन। अब इक्वेशन नंबर वन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर वन थी एम इज इक्वल्स टू, वो था एफ ऑफ ओ बाई माइनस का यू ई,
तो मैं माइनस का एफ ऐसे कर देता हूँ, इसको 1/UE लिख देता हूँ ताकि यूई की वैल्यू पुट की जा सके। तो यहाँ पर वैल्यू पुट की तो माइनस का एफ ओ इंटू 1/UE, यूई की वैल्यू बेटा डी प्लस में एफ ई इंटू में डी इंटू में एफ ई, कुछ ऐसा ही है, कुछ कॉमन बाहर है, हाँ इस एफ ई को बाहर ले आता हूँ। तो माइनस का एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई, यहाँ पर बचा डी प्लस एफ ई बाई डी, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ, माइनस का एफ ओ बाई एफ ई, डी को डी से डिवाइड किया 1 प्लस एफ ई बाई डी। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बना कौन सा, एम इज इक्वल्स टू माइनस का एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये जो फॉर्मूला आप लास्ट में देख रहे हो बिल्कुल फाइनली, तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला, दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला। ये किसका फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का, किसके लिए, व्हेन फाइनल इमेज कहाँ बने, फाइनल इमेज बनेगी एट एट डी पे। तो बेटा इस तरह से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं जब हम फाइनल इमेज डी पे चाहते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही हम अब एक और केस पढ़ते हैं कि जब हमें सर फाइनल इमेज कहाँ पर चाहिए, जब हमें वेल फाइनल इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी बेटा, इज एट इन्फिनिटी बनेगी, ठीक है। फाइनल इमेज कहाँ बने, एट इन्फिनिटी, तब देखते हैं क्या है। बिल्कुल अब इससे पहले वाले से भी डेरिवेशन और सब कुछ आसान होगा, तो सेम वैसा ही जैसे उसमें हमने किया। तो भाई एक जो है हम लेंस बना लेते हैं, कौन सा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपको पता है बड़ा बनाएंगे बिकॉज ऑब्जेक्ट की तरफ है, ज़्यादा रेज को गैदर करेगा। दूसरे नंबर पे हम इनका क्या करते हैं, कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं दोनों लेंसेज का। तो मैंने ये दोनों लेंसेज का बना दिया इस तरह से। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट तो है बहुत दूर, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इसका मतलब वहाँ से जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है, तो हम दिखा देते हैं रेज को ऐसे पैरेलल आते हुए, ठीक है। ये एक रे बना दी, ये दो रे बना दी, ये तीन, ऐसे तीन रेज बना दी। देखिए ये पहला लेंस है हमारा ऑब्जेक्टिव एल ओ, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ओ वन, ठीक है। और मान लीजिए ये फोकस पॉइंट है इसका एफ ऑफ ओ, ये क्या बेटा एफ ऑफ ओ वाला पॉइंट है, और ये जो मैंने लाइन बनाई ये फोकल प्लेन है। इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि भाई ये रेज को कहाँ कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो एंगल बना के आ रहा है वो आपको पता है अल्फा एंगल बना के आ रहा है, इस तरह से रेज आ रही है। तीन ही हमने दिखाई, ज़्यादा भी दिखा सकते हो, ऐसे पैरेलल रेज आई, तो बेटा ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी चलेगी, बाकी सारी भी कन्वर्ज होंगी यहीं पर, इस पॉइंट पे ही कन्वर्ज होगी। तो हम उनको भी कन्वर्ज होते हुए दिखा देते हैं, इसको यहाँ दिखा दिया, तो बेटा इसको यहाँ दिखा दिया, तो ये रेज सारी कन्वर्ज होगी यहाँ पर, फाइनली मतलब इमेज यहाँ बन चुकी है। इसका कुछ नाम रख देते हैं, तो हमने यहाँ पर इमेज दिखा दी, ये नाम रख दिया ए डैश और इस पॉइंट को नाम रख दिया बी डैश। ये जो पॉइंट है ना एक्चुअल में ये फोकस पॉइंट भी है, पहले लेंस का फोकस पॉइंट भी है, और डिस्टेंसेज वगैरह मेजर करके दिखाने हैं। तो भाई पहले लेंस से ये जो इमेज बनी ना ये वी ऑफ ओ है विच इज इक्वल्स टू एफ ओ के बराबर, ठीक है। अभी हमें दूसरा लेंस भी लगाना है, हमें दूसरा लेंस इस तरह से एडजस्ट करना है कि फाइनली इमेज इन्फिनिटी पे बने। भाई ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा ए डैश बी डैश दूसरे लेंस के लिए, कहाँ रखे दूसरे लेंस को, तो आपको पता है जब भी आप क्या करते हो किसी लेंस के, ये मान लीजिए दूसरा लेंस है ओ टू ऑप्टिकल सेंटर है, अगर मैं क्या करता हूँ इसका ये जो पॉइंट है ये इसका भी फोकस है एफ ऑफ ई भी यही है, अगर ये दूसरे लेंस का भी फोकस है ये पॉइंट तो क्या होगा सर, इसमें से फिर से रेज बाहर निकाल देते हैं इस तरह से, एक ये गई, एक मान लीजिए ये गई, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चलेगी और ये वाली जो बेटा ये भी इधर सीधी चली जाएगी। तो हमने दो रेज दिखाई, एक ये दोनों सीधी चली गई, दोनों सीधी चलेगी इसका मतलब ये कभी मिलेंगी नहीं, कभी मिलेंगी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि कहाँ जा रही है सर, ये एट इन्फिनिटी जा रही है, इनिशियली ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी और फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी पे, अरे यही तो चाहिए था। इस टाइम पे मान लीजिए एंगल जो बना रहा है यहाँ पर ये बीटा है और हमारा ऑब्जेक्ट जो बना रहा था अल्फा, तो मैंने इसको यहाँ दिखा दिया अल्फा, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चली गई। अच्छा डिस्टेंस कौन कौन से पता है, देखो ए डैश बी डैश दूसरे लेंस से कितनी दूर है, ये डिस्टेंस आपको पता है यू ऑफ ई है जो कि इनडायरेक्टली आपका एफ ऑफ ई के ही बराबर है, माइनस का प्लस का वो बाद में पुट कर देंगे साइन अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम फिर से डिफाइन कर देते हैं हम क्या, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर तो आसान है डिफाइन करना, एम से ही लिखते हैं बार बार, और ये बीटा और अल्फा की रेशो ही होती है, बस बीटा और अल्फा चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर बीटा क्या है, बीटा एंगल है इमेज का जब वो इन्फिनिटी पे है, अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट का जब वो इन्फिनिटी पे है,
तो बोल सकते हैं कि एक्चुअल में ये रेशो है, किसका रेशो है, रेशो ऑफ एंगल जो बनाया सब्टेंडेड बाय इमेज यानी बीटा, ठीक है, एंड एंगल सब्टेंडेड बाय ऑब्जेक्ट यानी अल्फा, ठीक है, कब, विद आई, आई के साथ बना रहे, व्हेन बोथ आर, जब दोनों ही कहाँ, व्हेन बोथ आर एट इन्फिनिटी, दोनों ही इन्फिनिटी पे भाई इस बार, तो एम जो हुआ वही बीटा बाई अल्फा, एंगल छोटे हैं तो मैं सीधा ही इसको लिख देता हूँ टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा। हमें पता है यार क्यों लिखा है, एंगल स्मॉल है। अब हम एंगल्स की वैल्यू पुट करना चाहें तो पहले मैं इस डायग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इस डायग्राम से हम आसानी से डेरिवेशन अब कर पाएंगे। ठीक है जी, इस डायग्राम को मैं यहाँ ले आया इस तरह से, यहाँ से डेरिवेशन हो जाएगा आसानी से। तो पहले मैं टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू ढूंढता हूँ, कहाँ है, देखिए टेंजेंट ऑफ अल्फा, अल्फा ऑब्जेक्ट का एंगल है, यह अंदर मिल गया ये रहा, तो इसको लिख देता हूँ ए डैश बी डैश बाई ओ वन, ओ वन और ये बी डैश, ओ वन और बी डैश, इस तरह से टेंजेंट ऑफ बीटा निकालता हूँ, तो टेंजेंट बीटा भी ट्रेंगल में इसी में है, तो ए डैश बी डैश बाई ओ टू बी डैश, ओ टू बी डैश, दोनों की वैल्यू हमने जब यहाँ पर पुट की तो ये बेटा एम जो बना वो टेंजेंट ऑफ बीटा दैट इज ए डैश बी डैश बाई ओ टू बी डैश मल्टीप्लाई बाई, ये उल्टा हो जाएगा इधर, ओ वन बी डैश बाई ए डैश बी डैश, अब ए डैश बी डैश से तो ये कैंसिल हुआ तो बचा ओ वन बी डैश बाई ओ टू बी डैश। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ओ वन बी डैश, ओ वन से बी डैश, बेटा ये है, ये राइट हैंड साइड में है तो प्लस का ही यूज़ करना है, वी ओ डिवाइड बाय, इधर से ये है यू ऑफ ई, बेटा वी ओ एक्चुअल में एफ ओ के बराबर है और यू ई एक्चुअल में माइनस ऑफ एफ ई के बराबर, बिकॉज लेफ्ट में, तो यहाँ पर एम का फॉर्मूला बना एफ ओ बाई माइनस का एफ ई, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। देखो ये आसान था ना डेरिवेशन, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये इसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया। एक बात और ध्यान रखना, ये जो इन्फिनिटी वाला केस होता है इस केस को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स में अगर आपको समझ ना आए भी कौन सा केस है, कुछ भी जिक्र ना हो, वो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला ही केस होता है, एट इन्फिनिटी वाला ही केस होता है, ठीक है। जब तक आपको एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा ना जाए, डी वाला केस कहा ना जाए, तो हम जो है वो यही केस मान के चलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है जब इमेज जो है वो कहाँ बने, इमेज इज एट इन्फिनिटी बने। तो दोनों को एक साथ रखते हैं थोड़ा सा कंपेयर कर सकें। तो अभी हमने इसके अंदर दो फॉर्मूले पढ़े भाई, एक जब फाइनल इमेज एट डी चाहिए और एक में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए, है ना, यही दो तो है केस पढ़े थे। तो हमने इसमें जो फॉर्मूला बनाया वो कुछ ऐसे था बेटा, एम का जो फॉर्मूला बना था वो बना था एफ ओ माइनस का एफ ई, और यहाँ पर था शायद वन प्लस एफ ई बाई डी, कुछ इस तरह से था, है ना, यही फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, देखते हैं ज़रा। हाँ यही था एफ ओ बाई एफ ई, और इस केस में हमने सिंपल ही फॉर्मूला बनाया एफ ओ बाई माइनस का एफ ई। तो इस तरह से हमने दोनों के फॉर्मूलेज ड्राइव कर लिए। अब करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात, और ये हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहला पॉइंट अगर देखो, दोनों ही फॉर्मूलाज में देखें तो बेटा आपको एम अगेन नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव मिलने का वही मतलब कि जो फाइनली इमेज हमें मिली सबसे लास्ट में वो एक्चुअल में क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनी है, इन्वर्टेड है। हाँ साइज़ में वो जो है बड़ी है और वो वर्चुअल भी है, वर्चुअल है और साथ में वो मैग्नीफाइड भी है, ये बात तो है ही। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट अगर आप देखो तो इसी से आपको पता लग रहा है एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ ओ के, एंड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ ई के, यानी एफ ओ ज़्यादा तो एम ज़्यादा, एफ ओ कम तो एम कम, मतलब पावर इनडायरेक्टली बोलो, इधर से एफ ओ जितना कम, एफ ई जितना कम एम उतना ज़्यादा, एफ ई जितना ज़्यादा एम ई एम उतना कम, मतलब इन्वर्सली डायरेक्टली तुम्हें पता लग गया। और कुल मिला के आपस में अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो हमें कुल मिला के ये पता लगा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आई पी से ज़्यादा लेनी है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आई पी से ज़्यादा लेनी है, ये एक लॉजिक है किसका, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो याद रखना है, ठीक है। अच्छा अगर न्यूमेरिकल में कुछ ना दिया हो तो बेटा यही हम फॉर्मूला लगाते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट का, ये जो फॉर्मूला इसी को यूज़ करना है।
तीसरा, और मैंने आपको बताना है कि भाई ध्यान से सुनो, ठीक है, डू नॉट यूज साइंस, क्योंकि ऑलरेडी टेकन है वो, पहले से हमने साइन ले रखे, ऑलरेडी टेकन। तो ये थे बेटा कुछ आपकी इंपॉर्टेंट बातें जो थी, जो हमने आज जो पढ़ी है वो किसकी पढ़ी है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, ठीक है। तो अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बाद है टेरिशल टेलीस्कोप। डेरिवेशंस कुछ नहीं है, यही सेम फॉर्मूला उसके लिए है, बस हम उसमें क्या करेंगे, हम उसके अंदर जो है डायग्राम से समझेंगे कि वो क्या काम करता है, क्या इससे अलग है। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। ये डिटेल में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, बस हल्का फुल्का बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल जो टेलीस्कोप है ये किसको देखने के लिए, यूज्ड टू सी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को। टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को मतलब वो चीजें जो अर्थ के सरफेस पे ही है लेकिन हमसे काफी दूर है, उनको देखने के काम आता है। अब कंस्ट्रक्शन में ये सिंपल यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से कैसे अलग होता है, इसका भी बेसिक आइडिया आपने ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्शन वाइज भी इसमें छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें हम तीन कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अगर आपको याद होगा हमने एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ा, उसमें दो लेंस यूज होते थे, इसमें तीन होते हैं। एक तो वही जो ऑब्जेक्ट की तरफ हो उसको ऑब्जेक्टिव कहेंगे, एक जो है बीच में लेंस यूज करते हैं जिसको इरेक्टिंग लेंस बोलते हैं, यही बस एक नई चीज होती है इसके अंदर। और तीसरा तो आपको पता ही है आई पीस जो होता है, ठीक है। तो ये तीन लेंस लगे होते हैं, वही सेम। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन सेम एज टू, कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम है एज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बाकी सारा काम एकदम सेम है, बस क्या है ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में एक इरेक्टिंग लेंस को रख दिया जाता है। तो क्या होगा इसको रखने से, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भी, एम का जो फॉर्मूला है वो सेम वही जो हमने उस समय पढ़े थे। तो फिर सर इसमें अलग क्या है, अलग है सिर्फ इसका डायग्राम। देखिए मैं आपको सिर्फ डायग्राम ही समझाऊंगा, बाकी हमें नहीं पढ़ना क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये बना दिया एक ऑब्जेक्टिव लेंस, आपको पता है एल ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। हमने इन सब का एक क्या करते हैं कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस बना लेते हैं तीनों लेंसेज का, क्योंकि तीन लेंस होगी इस बार। और शायद आपको पता है कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो काफी दूर है, और काफी दूर ऑब्जेक्ट होता है तो उससे रेज कैसी आती है, पैरेलल आती है। तो मान लीजिए ये एक पैरेलल रे है, ये दूसरी पैरेलल रे आ रही है उस ऑब्जेक्ट से, और ये इस तरह से तीसरी पैरेलल रे आ रही है। तो आपको शायद ये भी इस बात का पता है कि जब पैरेलल रेज आती हैं एक कन्वेक्स लेंस के पास तो वो उसको फोकस पे या फोकल प्लेन पे कहीं कन्वर्ज करते हैं। मान लीजिए ये पहले लेंस का फोकस पॉइंट है, इसको मैंने एफ ओ रखा, तो ये आप देखो जरा ये लाइन यहाँ पर मिल रही है, तो बस सभी को यही कन्वर्ज करना है हमें। तो ये वाली रे भी यहाँ पर कन्वर्ज हो गई और ये वाली रे भी बेटा यहीं पर ही कन्वर्ज हो गई। तो जब सारी यहाँ पर कन्वर्ज हुई तो कन्वर्ज होने का मतलब तो यही हुआ कि यहाँ पर बन चुकी है इमेज, तो पहले लेंस ने यहाँ पर बना दी है इमेज। तो इसका नाम देना चाहो तो हम ए डैश बी डैश नाम दे सकते हैं। तो पहला लेंस वही जैसे हम एस्ट्रोनॉमिकल में पढ़ते थे वैसा ही काम किया, बस यहाँ पर जो मेन चीज होगी वो ये होगी कि हम इसके अंदर एक बीच में जो लेंस लगाएंगे, ये मान लीजिए मैंने एक लेंस रखा बीच में, ये जो लेंस है ये एल इरेक्टिंग है भाई, ये इसका काम है इरेक्ट करना। इरेक्ट करने का मतलब हम इसको इस तरह से रखते हैं कि भाई ये जो ए डैश बी डैश है इस लेंस के फोकस पे आ जाए, डबल ओ फोकस पे, 2F पे आ जाए। बिकॉज आपको पता हो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी लेंस के 2F पे होता है तो उसकी इमेज दूसरी तरफ 2F पे बन जाती है, तो यानी ये इसकी इमेज यहाँ पर 2F पे बना देगा, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर ये 2F पे है तो इसकी इमेज यहाँ ए डबल डैश बी डबल डैश 2F पे ही बन जाएगी, यही मेन काम है। इसने उल्टे को सीधा कर दिया। अब हालांकि रेज बनानी हो तो हम रेज भी दिखा ही सकते हैं इसकी बना के, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली जो सीधी चली जाएगी, ठीक है, दूसरी जो ये पैरेलल हम भेज देते हैं, और पैरेलल आपको पता है कहाँ से जाएगी, फोकस में से होके जाएगी और यहीं पर ही मिलेगी जाके, अल्टीमेटली यही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी बेटा रेज भी दिखा सकते हो बनाना हो तो। दूसरे लेंस का काम क्या था, इसने जस्ट उल्टे को सीधा कर दिया। अब तीसरा लेंस, तीसरा वही हमारा सेम, तो तीसरे लेंस को हम इस तरह से मूव करके रखते हैं कि भाई ये जो जो ए डबल डैश बी डबल डैश है ये तीसरे लेंस के ऑपोजिट
ओ और एफ के बीच में आ जाए, ये तीसरे का मान लीजिए एफ है हमारे आई पीस का। अब आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लेंस के कहां पर रखा हो, ओ और एफ के बीच में रखा हो, तो भाई उसकी एक रे यहाँ बनाई हमने, एक रे हमने इधर की तरफ बनाई, ये तो सीधी चली गई, और दूसरी ये आपको पता है एफ में से होके जाएगी। अगर एफ में से होके जाएगी तो इधर तो कभी मिल नहीं रही, इधर नहीं मिल रही तो बैक में ड्रॉ कर लेते हैं इसको। जब इसको बैक में ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ कहीं जाएगा, और बेटा जब इसको बैक में ड्रॉ करेंगे यहाँ कहीं मिलेगा। तो फाइनली अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो इमेज बन चुकी है, कहाँ पर, इस जगह पे। देखिए ये हमारे पास फाइनली इमेज बन चुकी है, इसका हम नाम दे देते हैं भाई, इसका नाम ही ट्रिपल डैश लिख देता हूँ, ठीक है, और ये बी ट्रिपल डैश। तो फाइनली जो हमें इमेज मिलती है वो इरेक्ट मिलती है। तो इस तरह से तीन लेंस लगा दिए जाते हैं। तीन लेंस लगाने का मतलब कि जो हमारे पास एम आएगा फाइनली वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो फाइनल इमेज है एट लास्ट में जो मिलने वाली इमेज है वो बस इरेक्ट है, मैग्निफाइड तो है ही, वो वर्चुअल तो है ही, बस फर्क क्या पड़ेगा बेटा, वो इरेक्ट होगा। बिकॉज हम एक टेलीस्कोप को लगाकर अर्थ पे टेरेशियली जो चीजें देखना चाहते हैं वो साइज में हम क्या देखना चाहते हैं, बड़ा तो देखना चाहते हैं और सीधा भी तो देखना चाहते हैं, तो इस तरह से वो सीधा दिखा देगा। तो इस बीच वाले लेंस ने कोई मैग्निफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया, मैग्निफिकेशन तो अभी भी जो है वो ऑब्जेक्टिव और आईपीस की वजह से ही होगा। बीच वाला तो जस्ट इरेक्ट कर रहा है, ये साइज को चेंज नहीं कर रहा, उसी इमेज को उतने ही साइज का बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लेंस, ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है। कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं करना, बस डायग्राम में मैंने समझा दिया, बस इतना ही बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। एंड इसके बाद जो है बेटा आपको पता होगा हमने जो थे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप डिस्कस करने हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हमें कौन सा पढ़ना है, ठीक है, और थोड़ा बहुत उसका बेसिक आइडिया, बिकॉज इसमें भी कोई लंबे चौड़े डेरिवेशन नहीं है, जस्ट कंस्ट्रक्शन है और हल्का फुल्का फॉर्मूले का डिस्कशन है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, और इनका डायग्राम समझ रहा है और इसकी फॉर्मूलाज होगा डायरेक्ट, कोई ज्यादा नहीं है का। तो क्या है, देखो भाई है तो यही टेलीस्कोप ही है, टेलीस्कोप ही है ये भी, और क्या है, जो किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड होते हैं ऑन कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, इन विच मिरर्स आर यूज्ड, सारे मिरर नहीं यूज करते ध्यान में, इन विच मिरर्स आर यूज्ड, और मिरर को यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव जो लेंस हुआ करता था बस उसकी जगह पर हमने मिरर्स लगाने। हाँ और भी लग सकते हैं, ज्यादातर आपको एज एन ऑब्जेक्टिव ही मिरर लगा दिखेगा। अब इसमें हमने जो जनरली डिस्कस करने होते हैं बेटा वो एक होता है न्यूटोनियन, न्यूटोनियन और एक है कैसे करें, ठीक है, जिसमें मैं आपको बता दूं हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कैसीग्रेन का दे रखा है, इसलिए हम जो है पहले उस कैसीग्रेन वाले को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला हम जो है वो डिस्कस करते हैं कैसीग्रेन को। टेलीस्कोप, अच्छा ये जो कैसीग्रेन टेलीस्कोप है फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना ये एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। अब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का तो मतलब समझते होंगे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का मतलब जो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, मतलब इसमें रिफ्लेक्शन का ही कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप सब बच्चे ध्यान से इसको माइंड में रखेंगे। दूसरा फिर हम इसके बात करते हैं भाई सर ये है क्या रिफ्लेक्शन, देखो सिंपल लिखो इट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, सर ये एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। बोले सर रिफ्लेक्टिंग टाइप है तो खास बात क्या हुई इसमें, है ना, खास बात क्या हुआ, इन विच, ध्यान से सुनना, इन विच ए लार्ज कंकेव मिरर, एक बड़ा कंकेव मिरर यूज करते हैं, मिरर इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव, हम एक ऑब्जेक्टिव की तौर पे एक बड़ा कंकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका कंस्ट्रक्शन और डायग्राम दोनों साथ ही हो जाएंगे, तो हम इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट देखते हैं कैसा बना होता है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट। तो कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ लिखूंगा, उससे पहले मैं अगले पेज पे तुम्हें डायग्राम बना के दिखा देता हूँ किसका, एक कैसीग्रेन टेलीस्कोप का।
बेटा एक सबसे पहले याद रखना, इसमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी एक बड़ा सारा इस तरह से ट्यूब बना होता है, एक बहुत बड़ा ट्यूब रहता है। ठीक है, ये मान लीजिए एक ऐसे बड़ा ट्यूब है। इस ट्यूब के आगे ये जो मैं फ्रंट पोर्शन तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये यहां से ओपन होता है। यहां से क्या होता है, ओपन होता है, बिकॉज लाइट जो है वो इसी साइड से अंदर एंटर करती है। वहीं इसकी जो दूसरी साइड है, आप देख पा रहे हो यहां पर एक काफी बड़ा कनकेव मिरर लगा होता है। खास बात क्या होती है उस कनकेव मिरर की, कि सर वो कनकेव मिरर बीच में से ऐसे खाली होता है। खाली का मतलब कि उसमें एक होल होता है। तो यहाँ पर ये एक मिरर है, तो मैं यहाँ पर इसको मिरर बना देता हूँ। ठीक है, ये कौन सा मिरर है, ये मैं यहाँ नाम भी लिख ही देता हूँ इसका। ये एक कॉनकेव मिरर है जो यहाँ पर किसका काम करेगा, ऑब्जेक्टिव का काम करेगा, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी वो सबसे पहले इसी के ही ऊपर आएंगी, इस मिरर के ऊपर। ठीक है, अब इसके जस्ट ये होल वाला जो पोर्शन है उसके बिल्कुल आगे की तरफ, बिल्कुल आगे की तरफ, यानी यहाँ पर इसके फोकस से जस्ट पहले, यहाँ जस्ट पहले एक और मिरर लगा होता है। वो भी जो है आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक कन्वेक्स मिरर है यहाँ पर। ये क्या है, यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर हम लगा लेते हैं। ठीक, और ये मान लीजिए ऑप्टिक, इसका सेंटर किसका, ये बड़े वाले मिरर का जो आप देख रहे हो, इसका नाम M1 दे देता हूँ, इसका नाम M2 दे देता हूँ मिरर का। ठीक है, ये दो मिरर लगे होते हैं। एंड जस्ट इसके पीछे वाली साइड ध्यान से देखना, इधर एक ट्यूब बनी होती है, यहाँ पर एक ट्यूब बनी होती है, और उस ट्यूब के आखिर में रखा होता है यहाँ पर एक लेंस जो कि होता है आईपीस, कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को हम आईपीस बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ इसका भी नाम लिख देता हूँ। ये क्या है, ये है एक कन्वेक्स लेंस जो कि यहाँ पर काम कर रहा है किसका, एज एन आईपीस। तो क्या फर्क हुआ इसमें और जो सिंपल टेलीस्कोप पड़े हमने, जो इससे पहले सिंपल टेलीस्कोप भी तो पड़े ही है ना, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? सर कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पर मेन मिरर का यूज किया जा रहा है। अब ये काम कैसे करता है ना, ये काम कैसे करता है हमें तो उसको मेनली समझना है। तो देखिए होता क्या है, ये आगे वाला पोर्शन काफी ज्यादा ओपन होता है, तो यहाँ से लाइट की रेज अंदर एंटर करती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से बहुत दूर है, जो वहां से मान लीजिए मैंने ऐसे दो रेज को दिखा दिया। ठीक है, तो दोनों रेज ऐसे एंटर की, और हम इसकी डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। लेट अस सपोज ये ऐसे अंदर की तरफ आ रही है, कहाँ से आ रही है, फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, भी बहुत ज्यादा जो दूर है वहां से रेज आ रही है। बहुत सारी आती है, हमने सिर्फ दो ही दिखाई। अब जैसी रेज आई, अब कनकी मिरर से टकराएगी तो वो फोकस की तरफ जाएगी, भाई ये इस तरफ भेज रहा है और इसने रे को इधर की तरफ भेजा। जैसे ये मिरर पे गिरेंगे, मिरर के फोकस से पहले गिरेंगे, फाइनली रे यहाँ से टकराएगी और किधर की तरफ बेटा एंटर करेगी, फाइनली यहाँ पर टकराएंगी तो ये ऑब्जेक्टिव के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ से रेज आई, पहले मिरर ने टकराया, इस पे आई रेज सारी, इसने एक जगह गैदर कर दी, भी गैदर ही तो हुई, इकट्ठी तो हो रही है, और यहाँ से गैदर करके जो सारी की सारी लाइट रेज है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर, आईपीस के अंदर भेज दी जाती है, कन्वेक्स लेंस के अंदर, और फाइनली वो क्या कर देगा, यहाँ पर उसकी फाइनल इमेज बना देगा, जहां से भी रेज आई उसकी यहाँ पर इमेज हमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये है आपका एक ऐसे ग्राफ। देखो बहुत ही सिंपल है, हमें तो डायग्राम ही समझना है। कंस्ट्रक्शन का भी छोटा बहुत पार्ट है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, ये होता तो ये भी एस्ट्रोनॉमिकली है, कंस्ट्रक्शन में आपको बताओ ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है। बस होता क्या है, देख भाई इसके अंदर क्या होता है, इन दिस एक बहुत बड़ा लार्ज बड़ा सा है, देखो आप है ना, और कनकेव शेप का था वो, कनकेव। अच्छा कनकेव में मैं आपको बताऊँ ना, वो पैराबोलिक शेप का होता है, बिकॉज पैराबोला जो होता है ना पैराबोलिक है, वो पैराबोलिक शेप का, बिकॉज जो पैराबोला होने से क्या होता है, सारी रेज एक जगह पे इकट्ठी होती है, एब्रिवेशन नहीं मिलती, स्फेरिकल एब्रेशन नहीं मिलती, रेज को अलग अलग जगह इकट्ठा नहीं करता, एक ही जगह इकट्ठा करता है। दिस लार्ज कनकेव मिरर, ठीक है ना, यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं, एंड मतलब अनदर अनदर स्मॉलर
कन्वेक्स, एक कन्वेक्स मिरर भी तो है, ठीक है ना, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड विच रिफ्लेक्ट लाइट, विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवार्ड्स, इसके पास भेजता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो क्या है, जो कि एक्चुअल में है एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से ये बना होता है, तो कंस्ट्रक्शन में इतना ही होती है, और क्या होता है इसमें। अब इसकी मेटा मैग्निफिकेशन वगैरह का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ भी, इसमें जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन या मैग्निफाइंग पावर, सॉरी मैग्निफाइंग पावर, सेम फॉर्मूला ही है, सेम जो हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पढ़ा था। हम उसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस का बता रहा हूँ। नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है जब फाइनल इमेज भी हम इन्फिनिटी पे देखते हैं, तो उसमें बेटा एम का जो फॉर्मूला था वो था माइनस का एफ ओ बाई एफ ई, यही था, आपको शायद याद होगा। बस देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो एफ ओ है एक्चुअल में वो है एक मिरर का, और मिरर का क्या लिखोगे, मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, बस सिर्फ इतना लिखना है। तो एम का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस का आर बाई टू बाई एफ ओ ई। तो ये बेटा आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया मैग्नीफाइंग पावर का, जिस केस में एक कैसीग्रेन टाइप के टेलीस्कोप के अंदर, बस इतना सा ही काम था। अच्छा, इसी के साथ साथ न्यूटोनियन टाइप जो टेलीस्कोप है उसका सिर्फ डायग्राम समझो, कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं समझना। दूसरा अपन देखते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप, कि केस स्टडी क्वेश्चन में क्या पता डायग्राम दे दिया जाए, तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप का सिर्फ और सिर्फ डायग्राम हमें समझना है। इसमें भी तो क्या यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिव टाइप। हाँ, बस इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हल्का फुल्का अलग है, कैसा है देखिए, हल्का फुल्का ज्यादा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट उसी के सिमिलर सा ही है। इसमें भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ऐसे, सेम वैसा सा ही एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यहां से सामने से ओपन होता है पार्ट, क्योंकि इस साइड से जो रेज है अंदर एंटर करेंगे, पीछे की तरफ एक लार्ज कॉनकेव लगा देते हैं, मतलब ये पूरा ही होता है, यहां पर कोई सेंटर में होल नहीं है। यानी ये वही सेम क्या है, एक कॉनकेव मिरर है एज एन ऑब्जेक्टिव, ये कॉनकेव मिरर पैराबोलिक कॉनकेव है, ठीक है ना, ये एज एन ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब सारी रेज इसके पास आएंगी, इसके फोकस से जस्ट पहले, मान लीजिए इसका फोकस पॉइंट ये है, इससे जस्ट पहले एक इंक्लाइंड मिरर और लगा होता है, प्लेन मिरर होता है साथ में, वो एक प्लेन मिरर है, वो भी इंक्लाइंड है टेढ़ा 45 डिग्री पे, ठीक है, एक प्लेन मिरर M2 नाम दे दो उसको, अगर M1 नाम दे रहे हो, M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये इस तरह से रखा होता है। कहां पर है ये, इस कॉनकेव मिरर के फोकस से जस्ट पहले होता है, ठीक है, यहां से ओपन होता है नीचे से, यहां से पार्ट, और यहां पर बिल्कुल इधर इस तरफ एक इस जगह पे होता है एक कॉन्वेक्स लेंस, जो कि काम करता है एज एन ऑब्जेक्टिव, एज एन आई पीस, यहां पर आई पीस रखा होता है। तो यहां पर है एक कॉन्वेक्स लेंस, किसका काम कर रहा है, एज एन आई पीस, क्योंकि फाइनल इमेज इसी ने बनानी है, ठीक है। अब अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो बिल्कुल उसके जैसा सा ही है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो एक रे मान लीजिए यहां से आई और एक मान लो हमने यहां से दिखाई, इसने भी इधर की तरफ भेजा मिरर की तरफ, इसने भी इसको मिरर की तरफ भेजा, दोनों गई मिरर से टकरा के, कहां आएंगी वो इस तरह से लेंस के अंदर एंट्री मार जाएंगी, ठीक है। तो हुआ क्या, देखिए फिर से कि इन जो बहुत दूर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रेज आई, रेज को भाई जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे हमने बड़ा कनके मिरर यूज किया, इसने उन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया, इकट्ठे होने से पहले ही क्या हुआ, वो प्लेन मिरर से टकराई, टकरा के कहाँ चली गई, वो टकरा के एंटर कर गई हमारे किसके पास,
आईपीस के पास, और आईपीस फाइनली उसकी एक इमेज बना देगा। तो इस तरह से न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन होता है। इसका भी वही एम का फॉर्मूला सेम, माइनस का एफ ओ बाई एफ ई, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर भी एक मिरर है तो इसको आर बाई टू लिख देना, और हमारे पास सेम फॉर्मूला ही होता है, कुछ नया नहीं है इसमें करने वाला। ठीक है, यहाँ तक चीजें आई थिंक सो तुम्हें होंगी क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम पढ़ रहे थे, हमने डिटेल में जो पढ़ा वो तो एक रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल वाला, और अब हम पढ़ रहे हैं कुछ रिफ्लेक्टिंग टाइप भी, ऐसा क्यों? रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या ज्यादा बेटर होते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं किसके, एडवांटेज ये पेपर में पूछा गया, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है ना, किसकी बजाय ओवर रिफ्रेक्टिंग टाइप, क्या है हम उनको अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है बिल्कुल आपके चैप्टर का, और आपका चैप्टर फाइनली जो है वो खत्म हो जाएगा, कौन सा, रे ऑप्टिक्स, फिर अपन इसके बाद वे ऑप्टिक्स का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला फायदा भी आप अगर मिरर यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, देयर इज नो क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है ना, इन रिफ्लेक्टिंग टाइप, because mirror is used as an objective. अब ये क्या है, अब बेटा मैं आपको बताता हूं लेंस की क्या एक दिक्कत होती है। लेंस में जब व्हाइट लाइट एंटर करती है, तो वो क्या करता है, सभी को एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट की वेवलेंथ तो अलग अलग होती है, तो वो क्या करता है, अलग अलग कलर को अलग अलग जगह पे फोकस करता है। ठीक है ना, क्या करता है, फोकस करता है डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फोकस करता है, बिकॉज फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है कलर के अकॉर्डिंग, और कलर जो है उसकी अपनी एक वेवलेंथ है, दैट्स व्हाई रेड को अलग जगह फोकस किया, वायलेट को अलग किया, एंड इसी डिफेक्ट को, ठीक है ना, इस डिफेक्ट को, दिस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। ये लेंस में ही होता है। अब हम क्या करते हैं, जब हम रिफ्लेक्टिंग टाइप यूज करते हैं उसमें तो हम मिरर यूज करते हैं, मिरर यूज करेंगे तो ऐसी कमी आएगी नहीं, क्योंकि मिरर में भी हम पैराबोलिक मिरर यूज कर लेते हैं तो ये समस्या आती नहीं है। तो ये पहला फायदा है। दूसरा, एक स्फेरिकल एबरेशन भी होती है, तो मिरर्स में जनरली होती है, लेंस भी कर देते हैं लेकिन मिरर्स में दूर किया जा सकता है यूजिंग पैराबोलिक। इसलिए आपको याद होगा हमने एज एन ऑब्जेक्टिव पैराबोलिक यूज किया था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, स्फेरिकल एब्रेशन इज रिड्यूस्ड, ये दोनों में आती है, यानी लेंस में भी होता है मिरर में भी होता है, लेकिन हम मिरर में क्या करते हैं, इसको कम कर देते हैं यूजिंग मिरर ऑफ ऑब्जेक्टिव एज पैराबोलिक, हम उसको पैराबोलिक बना के इसको मिरर में काफी हद तक दूर कर लेते हैं, लेंस में नहीं हो पाता। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग टाइप में इमेज होती है ना वो ज्यादा ब्राइट होती है, ठीक है ना, क्या जो ब्राइटनेस होती है ना इमेज की, ब्राइटनेस ऑफ इमेज वो ज्यादा होती है, इज मोर इन रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये भी एक फायदा हो गया सर। अच्छा, उसके अलावा देखिए, मिरर का एक ही साइड होता है, लेंस के दो दो साइड होते हैं, तो खर्चा साफ करने का, ग्राइंड करने का, पॉलिश करने का जो है वो सिर्फ मिरर का एक ही साइड होता है ना, क्या होता है, मिरर्स रिक्वायर्स ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग of only one side, but lens have two side. Lens में दो दो side होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा खर्चा भी बच जाता है। अच्छा, कुछ एक दो और हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, जो अपर्चर बड़ा करते हैं, देखिए मिरर्स का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा अपर्चर ऑब्टेन कर सकते हैं।
जिसकी वजह से रिजोल्यूशन ज्यादा मिलता है, ठीक है ना, वी गेट हायर रिजोल्यूशन, वी गेट हायर रिजोल्यूशन इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है, हमें उसमें ज्यादा रेजोल्यूशन मिलता है। रेजोल्यूशन ज्यादा मिलने का मतलब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर दिखती है। अच्छा, वेट की बात करें, मिरर्स का वेट भी कम होता है एज कम्पेयर टू लेंस, ठीक है ना। वेट जो होता है, वेट ऑफ मिरर्स जो है वो होता है लेस होता है एज कम्पेयर टू लेंसेज, उतने ही साइज के लेंसेज की बात करें ऑफ सेम साइज, तो वैसे तो बहुत है ना। तो इन सब की वजह से, मतलब इन सब कमियों की वजह से बोल दो, ये रिफ्लेक्टिंग की कमियां हैं या रिफ्लेक्टिंग की फायदे हैं, इन सब की वजह से हम यूज करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो बेटा यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है, कौन सा, रे ऑप्टिक्स। एंड डेरिवेशंस की मैं बात करूँ, न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूँ, तो इन सब पे देखिए बेटा, अगर एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेरिवेशंस, तो मैं आपको बता दूँ तो आपके इस चैप्टर में जो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है बेटा, वो पहला चांस है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। इवन न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में इसके आपके जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ सकता है। कई बार क्या होता है, टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल के साथ साथ ही रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का थोड़ा बहुत पूछ लिया, या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देख के पूछ लिया एडवांटेज क्या है रिफ्लेक्टिंग यूज करने के, तो मतलब इसके एडिशनल क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जब इनमें नहीं देना होता तो आपको कंपाउंड की बजाय सिंपल भी कभी कभार मिल सकता है, मतलब प्रेफरेंस वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रेफरेंस जो है आपने इनको देनी है, उसके बाद आपने इस चैप्टर में डेरिवेशन में जो प्रेफरेंस देनी है वो लेंस मेकर फॉर्मूला पे है, उसके बाद जो है वो है बेटा प्रिज्म फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है उस पे, उसके बाद प्रिज्म फॉर्मूला के बाद बेटा आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर हमने डेरिवेशन किया था कुछ, मैं आपको बता दूं, जैसे एन वन बाई माइनस का यू प्लस एन टू बाई वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर, एक इसका जस्ट अपोजिट भी था मीडियम चेंज करने पर, ये रिलेशंस, एंड लास्ट वन इज लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये डेरिवेशंस है, इसमें जो सबसे ऊपर वाले हैं ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशंस। और अगर हम अगर सिंपल डेफिनेशन वाइज देखें, या जिसमें थोड़ा बहुत थ्योरी का जो पार्ट रहता है उस वाइज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स में है वो ध्यान रखना, वो है बेटा आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, खासकर स्नेल्स लो, क्योंकि स्नेल्स लो से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी मिल सकता है और डेफिनेशन वाइज भी। उसके अलावा आपको बता दूं तो TIR मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड TIR के साथ ही क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट है, आपको उस पर क्वेश्चन मिल सकता है TIR में। एंड TIR की ही एप्लीकेशंस मैं लिखूं तो एप्लीकेशंस ऑफ TIR में खासकर मैं आपको बताऊं तो जो मिराज रहता है, एंड इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं जो आपका ऑप्टिकल फाइबर रहता है, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन वाइज है, ये थ्योरी वाइज है, उसके बाद जो सिंपल सिंपल है कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, तो ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले हैं। एंड अगर मैं उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स छोटी छोटी जगहों से बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो हो सकता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का न्यूमेरिकल मिल सकता है, इसी के साथ कंसेप्ट जुड़ जाता है आपका स्नेल्स लॉ का, स्नेल्स लॉ का भी हल्का फुल्का है बेटा। उसके बाद लेंस जो है मेकर फॉर्मूला, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, जिसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी एन वन ग्रेटर हो एन टू से क्या होगा, एन वन बराबर हो एन टू की तो क्या होगा, एन वन लेस देन एन टू की, ये सारी कंडीशन बताई थी, कब कन्वेक्स कनकेव बन जाता है, कनकेव कन्वेक्स बन जाता है, वो सारी कंडीशन आपको बताई है। देन उसके पास थोड़ा बहुत चांस है लेंस फॉर्मूला पे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चांस है। फिर है बेटा पावर ऑफ लेंस पे चांस है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये थ्योरी और डेफिनेशन में एक पॉइंट और है, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे है ये, ठीक है, इस पे बन सकता है आपके डेरिवेशन भी, हल्का फुल्का छोटा मोटा, ज्यादा नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका जो है वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पे न्यूमेरिकल,
तो न्यूमेरिकल में अगर कुछ नहीं दे रखा तो जनरली नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बनती है, यानी टेलीस्कोप में जनरली तो इसी फॉर्मूला से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। और माइक्रोस्कोप में जो होगा वो अगर एट फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो एल बाई, आपको पता होगा, एफ ओ वन प्लस में डी बाई एफ, ये वाला फॉर्मूला था माइनस का, इसी पे बेस्ड जनरली। हाँ, बाकी उसमें अगर जिक्र कर रखा है कि फाइनल इमेज डी पे बन रही है तब वो डी वाला ही केस होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जाम में ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो कुछ वेव ऑप्टिक्स का मिल जाए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो हम इसको जो आज हमारा ये खत्म हो गया, कल से वेव ऑप्टिक्स ही स्टार्ट कर देंगे, वेव ऑप्टिक्स का ही कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे। एंड वीडियो अगर अच्छी लगती है यार, आपको लगता है ये बड़ा यूजफुल कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही एक सिंपल वे में समझा रहा हूँ, तो यार वीडियोज को शेयर जरूर किया करो, लाइक किया करो, और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट में जरूर लिखो। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।